हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एक यूनिक रेसिपी, और वो है सिप्पी की रेसिपी। ये सिप्पी से मुल्ले भी कहते हैं और तसरे भी कहते हैं। इसे दो तीन तरह का नाम है इसका। इसके हमें सूखा बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए 3 प्याज, कड़ी पत्ता, टमाटर और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक। बस ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। अब झटपट हम बनाएंगे। मगर इसका साफ़ करने का तरीका, दो तरीके से इसे साफ़ किया जाता है। आप सबसे पहले तरीका देखें, इसे छुरी से दोनों के बीच में डाल के ऐसा हाथ से साफ़ किया जाता है। ये देखिए, ये इस तरीके से भी साफ़ किया जाता है। और इसका दूसरा तरीका भी है, इसे उबाल के भी साफ़ किया जाता है। आप देख सकते हैं, ये तरीका भी देखिए और दूसरा तरीका भी देखिए। अगर इसे छुरी से साफ़ करेंगे इस तरीके से, तो इसका टेस्ट जैसा कि वैसा ही रहता है, बिल्कुल भी इसका टेस्ट चेंज नहीं होता है। और अगर उबाल के साफ़ करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका टेस्ट थोड़ा कम हो सकता है। मगर वो तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, अब मेरे वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। छोटी सी वीडियो है और बहुत ही एकदम यूनिक वीडियो है और एकदम काम की वीडियो है। पर अगर उबालने का है हमें, तो इसमें इसे सबसे पहले हमें पानी डाल के 10 या 5 मिनट के लिए ऐसे ही भीगते रखें, तो इसकी जो रेती होती है वो सब नीचे आ जाती है, निकल जाती है रेती। और इसे अच्छे से धो के हम इसे उबालने के लिए रखेंगे। इसे एक टोप लेंगे। उबालने में हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। इसका जो अंदर पानी, लोग ने पानी अंदर जज्ब कर लेते हैं, ये पानी अपने आप जैसा ही गर्म हो जाता है, भाप लग जाती है लोग को, वैसा ही ये पानी पूरा निकल जाता है। आप देखिए, मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं की हूँ। अब ढक्कन रखे इसमें और गैस के पास ही खड़े रहिए। ये बहुत जल्दी ऊपर आता है और पूरा का पूरा सब गैस पे गिर जाता है। आप देख सकते हैं, ऐसा सिर्फ 5 से 10 मिनट। देखिए, मैंने कहा था ना आपको, ये बहुत जल्दी, और इसमें कितना सारा पानी निकल गया है। देखिए, इसमें बिल्कुल भी मैंने पानी ऐड नहीं की थी, आपके सामने ही रखी थी। और ये देख सकते हैं आप, कितना सारा पानी छूटा है। और ये जो सिप्पी है पूरी के पूरी खुल गई है, और इसके जो अंदर का जो गोश है हम आसानी से निकाल सकते हैं अब इसे ठंडा होने के बाद, और ये सिप्पी जो है वो हमें फेंक सकते हैं। देखिए अब कितना पानी छूटा है इसके अंदर। मगर ये पानी हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए कितने आसानी से निकल गया है। अब हम प्याज को कट करके लेंगे और इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। अब देख सकते हैं, मैंने फ्राई करने के लिए रख दी हूँ। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करके लेंगे। ये बड़ा चम्मच है, इसके लिए हम 1 ही चम्मच डालेंगे। छोटा चम्मच रहेगा तो 2 चम्मच डालेंगे। प्याज के साथ हम नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि नमक डालने से हमारा प्याज जो है जल्दी से फ्राई हो जाएगा। अभी इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। अगर आपको इस टाइम में कोकम डालना है, कोकम, तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर मैं सिर्फ टमाटर ज़्यादा डालूंगी, इसके लिए मैंने कड़ी पत्ता और टमाटर डाली। टमाटर मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर ली हूँ, इसके लिए मैंने कोकम नहीं डाली हूँ। आपको अगर डालना है, थोड़ा खट्टा टाइप पसंद है, तो आप इसमें कोकम भी ऐड कर सकते हैं। बस हमें इतना ही ना प्याज को फ्राई करना है ना, और ये सब टमाटर वगैरह को नरम करना है। अब इसमें हमने जो हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर डाले, इसे अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। मगर ये सूखा सूखा है, इसके लिए जो सिप्पी का पानी निकला था ना, वही पानी हम इसमें अब ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने कहा था आपसे कि वो पानी हमें फेंकना नहीं है, वो पानी हम इस वक्त में इस्तेमाल करेंगे। जितना भी पानी उसमें से निकला है पूरा इस्तेमाल करेंगे। नमक हमें कम डालना है, क्योंकि ये थोड़े खारे टाइप रहते, नमकीन टाइप रहते, इसके लिए हमें नमक थोड़ा कम डालना है। अगर कम लगे आखिरी में तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं, मगर नमक हम थोड़ा कम पहले से ही कम डालेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा खारा हो जाता है, तो फिर वो खाने में टेस्ट में अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसे चावल के रोटी के साथ, गेहूँ के रोटी के साथ या खिचड़ी के साथ, जैसा भी आप चाहो इसे खा सकते। और ये इतनी मज़ेदार डिश बनती है, बहुत ही ज़्यादा, जो कोकण साइड के लोग हैं
इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोकनी लोग जो है इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसे ज़्यादा ही पसंद से खाते हैं। ये बहुत ही मतलब मज़ेदार डिश बनती है। इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और बस हमारी जो डिश है एकदम से रेडी हो गई है। बस 2 से 5 मिनट अब इसे पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो आप देख सकते हैं मेरी जो सिप्पी की चटनी है वो एकदम से रेडी हो गई है। थोड़ा हम धनिया से गार्निश करेंगे और इसे परोसेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।